करते हैं फिर स्टार्ट। इजी वाला पार्ट चल रहा है अपना, कल इसको निपटा देंगे। मेन तो आपका आज ही हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। तो बेसिकली आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम देखने वाले हैं रूल्स ऑफ फिलिंग सबशेल। मतलब कल हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स के घर का पता लगाने के लिए हमने कुछ क्वांटम नंबर्स की बात की थी, है ना। एन एल एम एंड एस की बात की थी। एन तुम्हारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था, जो तुम्हें क्या बताता था, शेल के बारे में बताता था कि किस शेल में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा जो एल था, विच इज योर सब्सिडरी क्वांटम नंबर, या जिमिथल क्वांटम नंबर, या यू कैन ऑल्सो से ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर, वो क्या बताता था तुम्हें, सब शेल के बारे में बताता था। एक बार तुम्हें शेल पता चल गया, उसके बाद कौन सी सब शेल में वो प्रेजेंट है, ठीक है, जिसको आप एल से डिनोट करते थे। एल की वैल्यू 0 to n-1 हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी निकाल सकते हो। फॉर्मूला क्या था, l(l+1) अंडर रूट, और बाहर क्या था, h/2π, उसको आप h कट भी लिख सकते हो, है ना। और उसके अलावा मैंने कहा था n और l की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए, याद करो, ठीक है। और जो n की वैल्यूज, मतलब जो n की वैल्यू होगी उतने ही तुम्हारे क्या होंगे, सब शेल होंगे। अगर मान लो n की वैल्यू 4 है तो 4 सब शेल होंगे, 4s, 4p, 4d और 4f। गेटिंग माई पॉइंट, ठीक यस है। मैम, हाँ, उसके अलावा और तुम्हें मैंने बताया था मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन कैसे, जैसे पी और वाइटल, उसकी PX, PY, PZ, तीन ओरिएंटेशन है। आवाज भी कहाँ से आ रही है, ठीक है। ऐसे डी है, उसकी 5, DXY है ना, XY प्लेन में है, YZ, ZX, X2, XY प्लेन में, और आपका एक DZ2, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा था टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल का फॉर्मूला। अगर हमें एल की वैल्यू पता हो तो 12+1, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हो फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, तो 2 into 12+1 होता था, याद करो वो दिन परसों वाला, जब भी था अपना नेक्स्ट अपना क्लास, बताओ। यस मैम, यस, और क्या था, और स्पिन क्वांटम नंबर मैंने बताया था, जिसमें आप, अब आपको क्या पता चल गया शेल के बारे में, सब शेल के बारे में, और ऑर्बिटल के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन को भरना तो पड़ेगा ना, कैसे भरोगे, या तो अगर मान लो अगर आप ऐसे कर रहे हो फिल, इसका मतलब स्पिन उसकी प्लस हाफ है, अगर आप ऐसे फिल कर रहे हो तो स्पिन उसकी माइनस हाफ है। और ध्यान रखना, एक ऑर्बिटल में एक आप ऐसे दिखाते हो, एक आप नीचे की तरफ दिखाते हो। ये अभी आज मैं पढ़ाऊंगी ना पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, वहां पे आपको मैं बताऊंगी कि उसने क्या बोला था, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आने चाहिए, एंड दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन शुड बी अपोजिट, एक प्लस हाफ है तो दूसरी माइनस हाफ। हाँ जी, ठीक है, ये आज बताऊंगी मैं ओके आपको, मैम, ठीक है। तो आज हमें क्या सीखना है, रूल सीखने हैं, एन प्लस एल रूल सीखना है, क्या होता है, ऑफ वो प्रिंसिपल, हुंस रूल एंड पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अगर तुम स्कूल के एग्जाम दे रहे हो, वहां पे ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन बता दो, हुंस रूल बता दो, क्या होता है, दो दो 2-2 मार्क्स के वाले तुम्हारे वहां पे क्वेश्चन बनते हैं। बट नीट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में इन चारों रूल को मिला के क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले बेटे, सबको मालूम है, उससे पहले तुम्हें ना कुछ क्वेश्चन करने हैं। अगर तुम लोगों को याद हो, लास्ट क्लास में अपने उतने क्वेश्चन नहीं हो पाए थे जितने मैंने कराने थे, याद है तुम्हें। यस मैम, हाँ, तो जरा जरा नोटबुक निकालने का कष्ट कीजिए और इस क्वेश्चन को सोल्व करने का कोशिश कीजिए। ये क्वेश्चन तुम्हारे सामने है। दक्ष आ गया क्या, दक्ष, ये देखो, दक्ष नहीं आया, कहा भी था 10 मिनट पहले आ जाए। चलो कोई नहीं, आफ्ताब बेटा माइक म्यूट करो ना प्लीज, यस मैम, वो गलती से ऑन रह गया था। कोई नहीं, कर लो अब। हाँ जी, ट्राई कीजिए। आपको ए दिया हुआ है, एन इज इक्वल टू 5 एंड एम एल इज इक्वल टू प्लस 1। आपको बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, दैट कैन हैव द क्वांटम नंबर एज गिवन इन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। आपको क्वांटम नंबर की इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन आपको ये बताना है कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे एटम में, ठीक है। करिए, अच्छा है, मतलब आसान है बिल्कुल। लवकुश, जो तुमने क्वेश्चन पूछा था ना, वो मैंने बता तो दिया है, उसको करके देखना, सॉल्व करके, और मुझे भेजना निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, ठीक है। यस मैम, वरना नहीं निकलेगा तो फिर मैं ही सॉल्व करके भेज दूंगी कल में। हाँ जी, सोचो सोचो, अच्छे क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया उम्दा क्वेश्चन है, ट्राई करो, फिर आगे भी चलना आज।
अच्छा मुझे चलो करो फिर, मैं पूछती हूँ पहले, कर लो फिर कहोगे मैम क्वेश्चन ही नहीं करने देते आप तो। ओके सो बताओ सलोनी कैसे अप्रोच करोगी बेटा? मैम जैसे कि इसमें n इज इक्वल टू 5 है, हाँ जी, तो 5 तो वो हो जाएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, हाँ जी बेटा, और फिर उसमें जो m l इज इक्वल टू प्लस 1 है, तो इसमें तीन केस बन सकते हैं ना, प्लस 1, 0 और माइनस 1। बट आपको प्लस 1 वाला चाहिए। यस मैम, सोचो, समझ नहीं आ रहा। कोई नहीं कोई नहीं, करो करो ट्राई करो। मुस्कान समझ में आया? मुस्कान है क्या यहाँ पे क्लास में? मुस्कान, हाँ मुस्कान, कैसे अप्रोच करोगी? देखो n इज इक्वल टू 5 है, तो कोई मुझे बता सकता है कितनी सबशेल होंगी? बोल दो हाँ, कितने, कोई भी बोल दो, हाँ मैम बोलो। 5 सबशेल्स ही होंगी। वेरी गुड, 5s, यस मैम, 5 जितनी p, शेयर्स i, होती है सब शेल होंगी। वेरी गुड, 5f, ठीक है जी, इतना क्लियर है सबको? यस मैम, अच्छा, अब यस ml मैम, की वैल्यू प्लस 1 किस किस केस में पॉसिबल है? इसमें s वाले में तो नहीं पॉसिबल, एक ही पॉसिबल है 0 वाली। गेटिंग माय पॉइंट? 5p यस में, मैम, p वाले में देखो, इसमें तीन वैल्यू होती है, 0, प्लस 1, माइनस 1, यानी कि 1 प्लस 1 वाली होगी, तो इसको मैं 1 बोल दू, ठीक है, एक और बाइटल, ठीक है। 5d में भी एक ही पॉसिबल होगी, बोलो, यस मैम, ठीक है। ओके, उसके बाद एक होगी, लेकिन 5 है, एक और हो जाएगी, 5g वाली भी होगी, है ना, क्योंकि 5 होंगी ना सब शेल, तो 5s, 5p, 5d, 5f और 5g, तो 5g में भी, ऑप्शन ए, हाँ आ गई, तो 5g में भी एक ऐसी और बाइटल होगी जिसका ml प्लस 1 होगा, कोई एक ही और बाइटल होगा ना मेरा बेटा जिसको प्लस 1 वैल्यू असाइन होगी। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? मैं यस मैम, तुम लोग यस पढ़ मैम, के हो, यस रिवाइज मैम, करके आते है ना, गंदी बात है बड़ी तुम्हारी, ठीक है। यस, तो कितने, अब ये तो और बाइटल है, तो 4 और बाइटल हो गए टोटल, और एक और बाइटल में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हो, तो 4 में कितने फिल कर सकते हो? 8, तो 8 आंसर तो आ गया। नेक्स्ट आओ, n इज इक्वल टू 2 है ना, l इज इक्वल टू 1, यानी कि p, p में कितनी होती है और बाइटल, 1, 2, 3, px, py, pz। अब वो कह रहे हैं कि ml माइनस 1 वाली, तो कोई एक ही होगी जिसका ml माइनस 1 होगा, बताओ हाँ कि ना? उसमें दोबारा, यस 2p है, 3 और बाइटल है, px, py, pz, कितनी वैल्यूज होती है एमएल की, कितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी? 0, प्लस 1 और माइनस 1, यानी कि कोई एक ऐसी और बाइटल होगी जिसको माइनस 1 असाइन होगी, ठीक है। लेट से वो पी वाई है, बिकॉज पीजेड के लिए तो ऑलरेडी 0 होती है, ठीक है। तो अब पीजेड, पी वाई वाली कितनी और बाइटल है? 1, और 1 में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2, एक की स्पिन प्लस हाफ और दूसरे की माइनस हाफ, ये कौन सी वाली स्पिन की बात कर रहे हैं? माइनस हाफ, तो कितना इलेक्ट्रॉन होगा जल्दी बोलो, बोल दो, मैम सिर्फ एक, वन वन मैम, वन इलेक्ट्रॉन होगा, होगा, वन इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखो अगर नहीं पढ़ के आओगे ना घर से, नहीं होगा बेटा, कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। अपा ने ये किया था फ्राइडे में, सैटरडे गया, संडे गया, सैटरडे संडे तुम कुछ नहीं पढ़ के आओगे, कोई फायदा नहीं है मेरा कराने का, रिवीजन मांगती है भाई केमिस्ट्री। तुम ऐसे सोचो कि आसान है, कैसे आसान है भाई, नीट निकालना कोई बच्चों वाली बात थोड़ी ना, तुम लोग रिवाइज नहीं करके आओगे, डांट सुनोगे अगर अगली बार नहीं करके आए तो। चलो आगे, इसको आगे चलू बताओ? यस मैम, गिव मी थम्स अप अगर आगे चलू तो, और एक तो रेगुलर रहा करो, तुम लोग आधे से ज्यादा बच्चे तो रेगुलर नहीं रहते हो। ये वाला क्वेश्चन करो, और ये आपको घर से करना चाहिए था, बट नहीं, ट्राई नहीं करना मैम हमने तो। दीपांकर आप बताओगे, ये प्रणय भी, आप भी रेगुलर नहीं हो मेरा बेटा, यशवी करो, हर्षित, दीपांकर, लव, लवकुश, हिमांशी, रवीना, आलिया, करिए करिए,
लव बेटा माइक ना अनम्यूट करके बोलना है या फिर हैंड रेज करना है पहले आपको, है ना? देखो 25 आ रहा है उसका लव का. दीपांकर आपका भी यही आ रहा है क्या? तुम लोगों के माइक में कोई प्रॉब्लम है? यस मैम, 25 का आंसर है मैम. देखो n इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है ना. 5 के अगर n की वैल्यू दिए तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला बताया था. 25 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो कितना हो जाएगा? 25 × 250, 50 होने चाहिए. लेकिन 50 कौन से दोनों मिला के, प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन वाले, बट इसने सिर्फ बात की हुई है हाफ स्पिन वाली. इसके आगे कर दो तुम, 25 हो जाएगा. ठीक है, 25 इज योर करेक्ट आंसर. हो जाएगा? यस मैम. यस मैम. चलो फिर हो जाएगा तो फिर आगे बढ़ो. किसकी वेट कर रहे हो तुम लोग? चलो ये वाला करो. आराम से करना, सब शेल पूछा है. वेरी गुड रवीना, मुस्कान, सलोनी, शाबाश. वेरी गुड पूर्वा. मैम बताऊं? हाँ बताओ. मैम 4 4 सब शेल होंगी. ओके ठीक है. रवीना आप बताइए. मैम मुझे तो 2 लग रहा है. कौन सा 2? यस मैम. कैसे किया रवीना, एक बार बता दो बेटा. मैम n इक्वल्स टू 4 दिया, मतलब 4 सब शेल होंगी और m l की वैल्यू जो है -2 दिया. -2 सिर्फ d और f पे ही आ सकता है, तो 2 सब शेल होंगी. यस ठीक है, यही निकला है सबका. यस मैम. सलोनी ये देखो, सलोनी आपने ना ये वाली चीज आई गेस रीड नहीं करी, इसको नहीं पढ़ा आपने. सब शेल 4 ही होंगी, नो डाउट, 4s 4p 4b 4f, लेकिन जिसकी जिसमें ml की वैल्यू -2 हो, s में तो होती नहीं, इसमें तो एक ही पॉसिबल है, इसमें 3 पॉसिबल है ना. इसमें पॉसिबल है एक तो -2, f में पॉसिबल है, तो इसमें ऐसी कितनी सब शेल है? तो 2. तो आंसर इज 4th ऑप्शन. ठीक है, तो ऐसे करना. चलो ये वाला कर दो क्वेश्चन, ऊपर वाला फिर नीचे वाला, बस फिर आगे चलते हैं. मैम ऊपर वाला सॉल्व करने है, नीचे वाला? ऊपर ऊपर पहले ऊपर वाला, नीचे वाला तो इजी है, ऊपर वाला करो. करो भाई, क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? मैम 3. अच्छा 3, पूर्वा को 3 लग रहा है. मुस्कान मैम 3 होगा, 3 होगा शायद मैम. ओके 3 जिस जिसको लग रहा है प्लीज एक बार चैट बॉक्स में लिखो ना.
अरे लिखो, तुम्हारी टाइपिंग इतनी वो है क्या? वैसे तो तुम व्हाट्सएप बड़ा चलाते हो। हाँ, थ्री थ्री, मैम शाबाश। थ्री। वैसे तो तुम्हारे पट्टर पट्टर चलते हैं हाथ तो टाइपिंग करने में, और यहाँ पे तुम्हारे चल नहीं रहे। थ्री होगा आंसर। कैसे? एन इज इक्वल टू फाइव, 5s कितनी होंगे सबशेल? 5p है ना, 5d, यस मैम। 5g, 5f और 5g, 5g जिंगा लाला है ना। ओके, खराब जोक था। 5s, 5p, 5d, 5g, ठीक है। तो ml प्लस टू, देखो इसमें तो नहीं हो सकती, इसमें भी नहीं हो सकती। एक तो इसमें पॉसिबल है d वाले में, और एक इसमें, एक इसमें, तो ऐसी कितनी और वाइटल होंगी? तीन। तो आंसर इस तीन। अगर पूछते इलेक्ट्रॉन तो छह। ठीक है, ठीक है। हाँ, नीचे वाला बताओ भाई, एल शेप कौन बताता है? जल्दी बोलो, शेप कौन बताता है? एज एल एजीमुथल नंबर एल एमएल हाँ, एल नंबर। एल, ठीक है। चलो, अच्छा मैं एक बात कह रही थी, मैं भूल गई। मैं ये कह रही थी, जैसे तुम्हारा संडे को टेस्ट है, तो तुम्हें मैं एक काम करूं तो करोगे? मतलब वो अगर तुम कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। जैसे संडे में तुम्हारा टेस्ट है, तो सैटरडे को मैं तुम्हें एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दूं इसका, क्या बोलते हैं मैम? यस मैम, कर लेंगे। यस एटमोस्फेयर मैम, का, दे दो। हाँ, दे दो वो मैम। बिल्कुल वैसे ही ओपन होगा जैसे तुम्हारा टेस्ट ओपन होता है, ठीक है। और वो ऐसा टेस्ट है जो थ्रू आउट द ईयर ओपन हो सकता है, बट एक बार मुझे बस ये कंफर्म करना है, क्योंकि 12th वाले बच्चे तो वो ओपन कर पा रहे हैं। एक बार बस मैं ये अगर कंफर्म कर लूँ कि तुम लोग वो ओपन कर सकते हो, तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। नहीं कर सकते तो बैड लक, ठीक है। मैं पूछ लूंगी एक बार, ठीक है। चलते हैं फिर आगे। हाँ, सुबह में अगर प्रैक्टिस पेपर वो कंफर्म हो सर जाए, ने ठीक है भेजा ना? था क्या? नो अच्छा, मैम, उन्होंने कहा था मैं भेज दूंगा, लेकिन मतलब आया ही नहीं ग्रुप में। नहीं, फिर तो ओपन हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि उन वही उन्होंने ही मेरे को मेरे केमिस्ट्री की भी दे दिया। अगर वो बोल रहे हैं कि भेजूंगा, मतलब ओपन कर पाते हो तुम तो, ठीक है, तो भेज दूंगी। चलो आ जाओ, अभी इस पे आओ। अब आपने को क्या करना, देखो तुम्हें सब पता चल गया है, शेल, सब शेल और वाइटल, इलेक्ट्रॉन भी। अब अपा को ये देखना है, मान लो तुम्हारे पास वो दे दे सोडियम, अगर वो बोले कि तुम्हारे पास सोडियम एटम है, इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है, तो उसको कैसे फिल करोगे? तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करने के लिए वी हैव सम रूल्स, ऑब्वो रूल है, एन प्लस एल रूल है, हंस रूल है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो इन चारों रूल को ध्यान में रखते ही हमें क्या करना है मेरा बेटा, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी है। समझ में आई? तो सबसे पहले हमारे पास जो रूल है, एन प्लस एल रूल है। अब यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल रूल है, समझ लो आप। एन क्या है यहाँ पे हमारे पास? एन हमारे पास यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और एल क्या है तुम्हारे पास? वो एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम। ठीक है, ये तुम्हें पता है। हाँ मैम, ये अच्छे से पता है। अब एन प्लस वैल्यू क्या होगा? देखो ये है क्या, एन प्लस एल रूल बड़े काम का है, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास, लेट से 1s है, मैं यहीं पे एग्जांपल लेके बताती हूँ। जैसे 1s है, इसमें जो n की वैल्यू है वो 1 है, सबको दिख रहा है। और s की वैल्यू क्या होगी, मतलब l की वैल्यू क्या होगी s के लिए? 0। तो n प्लस l क्या हो जाएगा? 1 + 0 इज इक्वल टू 1। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। मैं 2s की बात करूं तो n की वैल्यू 2 है, इसके लिए 0। तो 2 + 0 कितना हो जाएगा? 2। और ऐसे अगर इसकी बात करूं तो 2, और एल की वैल्यू कितनी होगी पी के लिए? 1। तो 2 + 1 हो जाएगा 3, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, अब हमें चेक करना है एन प्लस एल की वैल्यू सबसे छोटी किसमें है। तो मुझे दिख रहा है सबसे छोटी है 1s की। तो जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू बेटा कम होगी, उसी उसी की वैल्यू क्या होगी, सबशेल की वैल्यू, सबसे एनर्जी की वैल्यू कम होगी। गेटिंग माई पॉइंट? क्या बोला मैंने? जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू निकालो, जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम होगी, उसी सबशेल की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो इसके बाद किसकी एनर्जी होगी? 2s वाले की। उसके बाद किसकी होगी एनर्जी? 2p वाले की। गेटिंग माई पॉइंट? तो क्या बोला मैंने, अगर एन प्लस एल की वैल्यू कम है तो उस सबशेल की एनर्जी भी कम होगी। गेटिंग माई पॉइंट? दूसरी चीज आती है कि मैम, अगर मान लो एन प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए,
यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इसको तुम पॉइंटर्स में डाल सकते हो, ये लिख के एन प्लस एल रूल फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लिख सकते हो. व्हेन टू और मोर सबशेल हैव सेम एन प्लस एल वैल्यू, तो क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे, देन द सबशेल विद लोवेस्ट वैल्यू ऑफ एन इज फिल्ड ऑफ फर्स्ट, यानी कि जिसकी एन की वैल्यू छोटी होगी तो उसकी एनर्जी क्या होगी, सबसे कम होगी. गेटिंग माई पॉइंट, अभी मैं एग्जाम्पल लेके भी बताती हूँ तुम लोगों को, ठीक है. तो आपको क्या करना है, देखो हर कोई, हम इंसान भी स्टेबिलिटी चाहते हैं लाइफ में, इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी चाहता है. याद करो जब मैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में तुम्हें पढ़ा रही थी, मैंने क्या बोला था, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके हाईएस्ट स्टेट में जाएगा तो वो वापस भी आएगा, क्योंकि वो वहां पे स्टेबल नहीं होता, उसको लो एनर्जी में, न्यूक्लियस के साथ चाहता है ना वो अट्रैक्शन हो, गेटिंग माई पॉइंट, तो वो वापस आता है लोअर एनर्जी में. तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहना चाहते हैं, लोअर एनर्जी वाले सबशेल में रहना चाहता है. तो इलेक्ट्रॉन की जब आप फिलिंग करोगे ना, तो सबसे पहले आपको लोवेस्ट एनर्जी वाला ही सबशेल फिल करना है, देन आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करते हुए जाओगे. क्या ये मेरी लाइन बोली हुई समझ में आई? Yes, यानी कि मोटा मोटी बात ये है कि जिस सबशेल की एनर्जी सबसे कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, बात ये है सीधी सी. तो अगर मुझे 1s 2s 2p में इलेक्ट्रॉन फिल करना हो तो सबसे पहले मैं s वाले में फिल करूंगी, अभी बताऊंगी कैसे फिल करना है, फिर 2s में फिल करूंगी, फिर 2p में फिल करूंगी. क्लियर है? यस मैम. यस मैम. अगर मान लो मेरे पास ये है, एक तो मेरे पास 3s है, 3p है, 4s है, 4d है, मुझे इसको एनर्जी के ऑर्डर में लगाना है. तो एनर्जी के ऑर्डर में लगाने के लिए तुम क्या यूज करोगे, एन प्लस एल रूल याद रखोगे. मैं फिर बोल रू, क्लास में ही समझ के जाओ, घर पे सिर्फ 20 मिनट लगेंगे रिवाइज करने में, उसके बाद तुम्हें क्वेश्चन ही करना है. और अच्छी बात यह है, तुम्हें कुछ नया चैप्टर नहीं करना, तुम्हें इसी चैप्टर का रिविजन करना है क्योंकि सैटरडे को टेस्ट है, ठीक है. और आज 95% चैप्टर तुम्हारा आज ही कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत 20-1 मिनट का कल रह जाएगा, बस खत्म हो जाएगा फिर चैप्टर, तो अपना पढ़ना चालू कर दो. तो n प्लस l अगर मैं वैल्यू निकालूं तो तुम मुझे बता सकते हो 3 प्लस 0 होगा यहाँ पे? यस मैम. यस मैम. 3 प्लस 1 4 होगा, 0 होगा 4, 4 प्लस 2 6. अब यहाँ पे क्या है, सबसे कम एनर्जी वाला हमें दिख रहा है, n प्लस l की वैल्यू सबसे छोटी देखो किसकी है, इसकी, और सबसे ज्यादा इसकी 4d की, तो सबसे ज्यादा 4d की होगी. गेटिंग माई पॉइंट. अब बात आती है ये दोनों की, ये देखो इन दोनों की सेम है, तो कैसे डिसाइड करेंगे, जिस n की वैल्यू पे डिपेंड करेगा. हेयर n प्लस l वाली वैल्यू सेम है तो डिपेंड करेगा n की वैल्यू पे, तो n की वैल्यू इसकी कम है तो इसकी एनर्जी भी कम हो जाएगी, फिर उसके बाद 4s की. गेटिंग माई पॉइंट. Yes, ma'am. तो यानी कि अगर आपको फिल करना है तो सबसे पहले आप 3s में फिल करोगे, फिर आप 3p में फिल करोगे, फिर 4s में, एंड देन 4d में. अब आपको पता है s में एक ही और बाइटल है तो दो इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हो, p में कितनी और बाइटल है, 3, तो मैक्सिमम 3 में फिल कर सकते हो, 6 फिल कर सकते हो. d में आपके पास कितने हैं, 5 है, तो मैक्सिमम कितने फिल कर सकते हो, 10 फिल कर सकते हो. और f में 7 है तो मैक्सिमम 14 तक जा सकते हो, F तक ही पूछेगा, G पे वो नहीं जाता है, इवन वो D पे ही रहता है, वैसे F पे भी बहुत कम जाता है, बट क्योंकि तुम लोग नीट का पेपर दोगे तब तक तुम F लोग भी पढ़ लोगे जो कि 12th में आएगा, तो यस F तक वो जाएगा, G तक वो नहीं जाएगा. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? यस मैम. यस मैम. यस मैम. यस मैम. अब देखो सवाल कैसे आते हैं, ये वाला क्वेश्चन ना तुम नीट के PYQs में देखो, JEE में देखो, कहां देखो, मतलब कहीं भी देखो, मतलब 12th के बाद किसी भी एंट्रेंस में देखो, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे. ये वाले क्वेश्चन बहुत पहले जमाने में भी आए हुए हैं, 10 साल पहले, 2 साल पहले भी आए हैं, 3 साल पहले भी आए हैं, यानी कि ये क्वेश्चन आते रहते हैं. अब तुम्हें सीखने हैं ये क्वेश्चन, ठीक है, तो पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, बोल क्या रहा है वो. इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिफाई बाय द क्वांटम नंबर, आपको इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लगाना है. सिर्फ एन प्लस एल रूल इसके लिए आता है तो कर दोगे, वरना खत्म कहानी.
एक रूल ऑलरेडी हो चुका है तुम्हारा, तीन और रह गए, बस करो आराम से। आज क्वेश्चन ही होंगे, बहुत ज्यादा लाई हूँ आज मैं क्वेश्चन, कम से कम 20-25। मैम हो गया, मैम हो गया, वेरी गुड, बाकी कर लो। अरीशा नहीं आई ना? अच्छा, अरीशा की ट्यूशन होती है, ठीक है। नो मैम, आई एम प्रेजेंट टुडे। अच्छा आ गए, कभी आए, अभी आए थे क्या? नो मैम, एट 7:20 आई गेस। अच्छा मतलब 6 मिनट पहले, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलो सही है। फिर एन प्लस एल रूल समझ में आ गया? यस मैम। वेरी गुड, हाँ जी, हैंड रेस करते जाइए। शाबाश पूर्वा, सलोनी, हर्षित, लव, लव कुछ ट्राई करो बेटा। वेरी गुड रवीना, अरे ये क्या हो गया, रवीना वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अंशुल जी किथे, रणवी, यशवी, रिया, वेरी गुड आलिया, अरे वेरी गुड आलिया, आप बताइए। मैम ऑप्शन 3। ओके, तो ऑप्शन 3 को वोट देने के लिए कितने जनता है यहाँ पे, सारे? अरे क्या, यस मैम, यस मैम, यस मैम, यस मैम। तो बस, तो अगर ये क्वेश्चन तुम्हारा आ गया 2026 में तुम्हारे तो मज्जे मज्जे। कौन सा सॉन्ग था याद नहीं आ रहा, देखो इधर आओ। ए वाले में एन प्लस एल की वैल्यू निकालते हैं, तो 4+1 बोलो 5। बी में 4+0 4। सी में 3+2 5। आफ्ताब को देखो कैसे, वो इसकी तो अच्छी वो चल रही है, 5 मैम। 3+1 4। ठीक है, तो अब एनर्जी के ऑर्डर में लगाते हैं, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं सबसे छोटे वाले कौन है। छोटे वाले एक तो बी है और एक डी वाला है, लेकिन इसमें हम डिसाइड करेंगे फिर 3 की वैल्यू, यानी कि डी की सबसे कम एनर्जी होगी फिर बी की, ठीक है। और देखो कौन काट दो, कटा कटा कटा, ये सही, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी होगी फिर, ए वाले की और फिर सी, यस मैम। तो यानी कि आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 3। अरीशा हो गया 3, यस मैम, ठीक है। और लवकुश, अलीशा, प्रणवी, ओके, ये वाला रिपीट कर दो, रिपीट करूं, ठीक है, ये वाला रिपीट करती हूँ, सेम क्वेश्चन ही है बेटा, एक बार कर लो, सेम क्वेश्चन है। देखो अब तुम खुद देखो, 2012 में आया था ये, देखो कब आया, 2019 में, सेम क्वेश्चन। वो जो अभी री एग्जामिनेशन हुआ ना, लीक, जो लीक हुआ था पेपर, उसके बाद बहुत पंगे हुए, उसके बाद जो नीट 2024 का री एग्जामिनेशन, उसमें आया था ये क्वेश्चन सेम। मैं मतलब हर 7 साल बाद रिपीट हो रहा है, हर साल रिपीट हो रहा है। देखो अब नहीं आया ना नीट 2025 में, तो तुम्हारा आएगा, अगर उनका आ गया तो तुम्हारा, ऐसी बात नहीं कि आएगा ही नहीं, बट फिर हाँ चांसेस थोड़े कम है फिर, बट ठीक है, हम क्यों सोचे कि नहीं आएगा, हम तो कहते आए। चलो ऐसे नंबर बनाने हैं तुम लोगों को नीट में, चलो ये वाला करो आराम से। शाबाश, ट्राई करो, कोई बात नहीं, अगर ज्यादा टाइम लग रहा है ना, इट्स ओके, आराम से करो, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में पेशेंस चाहिए होता है। थोड़ा सा इधर उधर कर दिया ना तुमने, एन प्लस सम ही गलत निकाल दिया, तो क्वेश्चन भी फिर गया काम से। हाशिया, अंशुल करके दिखाओ भाई। आई होप आप सभी ना धीरे धीरे असाइनमेंट्स को निपटा दे रहे हैं, है ना ऐसा? यस मैम, अभी भी थोड़े से रहते हैं। यस मैम, मैम बस एक बचा होगा जो लास्ट वाला था।
करके दो लेक्चर के रहते हैं अभी लास्ट। मैंने बहुत सारे असाइनमेंट्स दे दिए एक्चुअली में इस चैप्टर के बहुत सारे, तो प्लीज थोड़ा सा बेसिक टाइम कर देना। नहीं मैम वो इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि ये मांगता है वाला चैप्टर क्वेश्चन। यस तभी दिए मैंने, कोई बात इसलिए कह रही हूँ टाइम ले लो बट कर लेना। हाँ जी हाँ हाँ हो जाएगा हो जाएगा। हिमांशी आप बताओ। मैम मेरे को तो इसका सेकंड लग रहा है। बस तो फिर कॉन्फिडेंस रखो। हाँ मैम सेकंड ही आएगा, निकाल के देखिए क्या। चलो ओके तो सेकंड ही सेकंड है। ठीक है आओ फिर जल्दी जल्दी करते हैं। n प्लस l की वैल्यू यहाँ 6 आ रही है, सेकंड में देखो क्या आ रही है 5 आ रही है, इसमें थर्ड में आ रही है 4 प्लस 1 5 आ रही है, और फोर्थ में आ रही है 3 प्लस 1 4 आ रही है। तो सबसे कम तो फोर्थ वाले की एनर्जी हो जाएगी, यानी कि ये तो काटा लगाओ ठीक है, सबसे ज्यादा फिर फर्स्ट वाले की होगी। ये देखो एक मिनट फोर्थ सही से लिखने दो। ओके तो सेकेंड और थर्ड में देखो, सेकेंड सेकेंड ये रहा थर्ड ये रहा, तो थर्ड वाले की एनर्जी ज्यादा हो जाएगी फिर सेकंड वाले की हो जाएगी। तो देख लो अब कौन सा है, फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है चलिए बहुत ही बढ़िया। हाँ बोलो कुछ कहना है किसी को। नहीं नो मैम ये था हाँ, ये हमें भटकाने के लिए दे रखा था क्या? क्या भटकाने के लिए बेटा? एम एल इज इक्वल टू वन, जब एन प्लस एल की वैल्यू निकाल के हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते, तो ये पूछना चाह रहा मैं। m l is equal to 1, m is equal to plus का half, ये पूछना चाह रहा हूँ ना। अच्छा नहीं नहीं देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना आफ्ताब, तो वो आपको n l m s की चारों की वैल्यू देते हैं ठीक है। अच्छा, सिर्फ तो n और l की वैल्यू देके कभी भी नहीं पूछता है क्वेश्चन, अभी तक तो नहीं पूछे, तो वो चारों देते हैं। ज्यादा इन्फॉर्मेशन देके ये दिखाते हैं कि कैलकुलेशन बहुत लगेगी, पर वो डरा रहे होते हैं मेनली। यस मैम हाँ ये तो होता है कई बार ना, ऑर्गेनिक कह लो सॉरी फिजिकल में जनरली होता है कई बार, तुम्हें ना इतने बड़े बड़े वो न्यूमेरिकल दे देते, वैल्यूज बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दे देते जिसमें रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा गिवन दे देते। फिजिक्स में बहुत होता है वाला सीन। आ जाओ बाद में करेंगे बात, टेंशन मत लो, पांच मिनट छोड़ दूंगी। ओफबो रूल क्या कहता है? ओफबो रूल ये कहता है, तुम्हें ये तो पता चल गया ना एनर्जी का ऑर्डर, तो वही ओफबो रूल ये कहता है भाई अगर तुम्हें एन प्लस एल रूल पता चल गया है तो इलेक्ट्रॉन्स को अब कैसे फिल करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फिल करना है, यानी कि सीधी सी बात है पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला फिर इंक्रीजिंग, और बेसिकली कहने का मतलब है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में तुम्हें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को फिल करना है, दैट्स इट यही है। लेकिन ये तो सब कुछ ये तो तुम्हारा एक नंबर में आएगा, बताओ भाई डिफाइन ओफबो रूल, ओफबो प्रिंसिपल क्या होता है, पॉलीज एक्सक्लूजन, ये तो आता है तुम्हारे स्कूल में। अब हम एक ट्रिक सीखते हैं, अगर तुमने कभी एनसीईआरटी पढ़ी है, पढ़ी होगी, वहां पे एक ऐसा सा कुछ फिगर सा बना के दिया हुआ है तुम लोगों को है ना। yes, लेकिन मैं ये अपनी ट्रिक बताऊंगी मेरी खुद की ठीक है, जो बच्चों को पढ़ाने से ही आई है ठीक है। तो उसमें क्या होगा ना, मैं तुम्हें सारा 1s से शुरू होकर 7p तक तुम्हें बता दूंगी याद करना कैसे है, गेटिंग माई पॉइंट। तो चलो स्टार्ट करते, पहले मैं ट्रिक लिखती हूँ तुम समझना फिर तुम लिखना, क्योंकि मैं दो बार बताऊंगी सेम ट्रिक को ठीक है। तो देखिए अब मैं कैसे फिल कर रही हूँ, एंड सेम ट्रिक को मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की पहली क्लास में बताऊंगी, यानी कि ये ट्रिक तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है हर चीज में, पीरियड नंबर निकालने में बहुत सारी। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है मेरा बेटा, सबसे पहले तुम्हें लिखना है 1s, इस तरीके से लिख लिया बस ऐसे लिखना है 1s। फिर नेक्स्ट वाली रो में लिखना है 2s 2p, थोड़ा सा गैप दे देना, अगर मेरे साथ लिखना लिखो। फिर इसमें लिखना 3s 3p ठीक है, फिर लिखना 4s 4p, फिर लिखना 5s 5p, फिर लिखना 6s 6p, फिर लिखना 7s 7p। मुझे ये बताओ क्या इसमें किसी को कुछ प्रॉब्लम है? ये तो कुछ है ही नहीं, सिंपल। नो मैम बस अब तुम्हें, हाँ गिनती है ना, अब तुम्हें बस थोड़ी छोटी 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 बातें याद रखनी, क्या कि फोर्थ वाले देखो अब तीन को कोई नहीं छेड़ेगा, अब आ जाओ फोर्थ वाले में, 4s के बाद तुम्हें 4s वाली रो में तुम्हें क्या भरना है, 3d भरना है, क्योंकि देखो ना p वाला खत्म हो गया, d वाले की बारी आएगी है ना। तो तुम्हें थोड़ा सा अंदाजा होना चाहिए कि मैम 1d 2d तो होता ही नहीं है, 3d थर्ड वाली से ही
एन की वैल्यू जब 3 होती है वहीं पे डी आता है, गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन वो 3D वाली कहाँ फिल करनी है, ध्यान रखना, फोर्थ वाली उसमें रो में, ठीक है? तो 3D, आगे चलते जाओ, 4D, 5D, 6D, खत्म। बताओ हो सकता है इतना ध्यान रख लोगे? यस देखो, यस। अब एस खत्म, पी खत्म, डी खत्म, किसकी बारी आएगी? F की बारी आएगी। अब तुम मुझे बताओ, 1 में तो F नहीं होता, 2 में भी नहीं होता F, 3 में भी नहीं होता F, लेकिन हाँ 4F होता है। लेकिन 4F कहाँ पे फिल करोगे, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है, 6th वाली रो में फिल करोगे 4F, और इसके नीचे क्या आ जाएगा, 5F, बस खत्म। इसको लिख लो। अब तुम्हें एक चीज बताने वाली हूँ यहाँ पे, इसको लिख लो, अच्छे से समझ लो, फिर मैं बताती हूँ कि ये मैंने क्या बता दिया तुम्हें, क्या किस चीज से हेल्प मिलेगी तुम्हें। क्या किया, इधर आओ, 1s, 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, ठीक है, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p, 3d वाली कहां से लिखना है, 4s वाले से, 3d, 4d, 5d, 6d, फिर आता है 4f, 4f वाले कहां से करना है तुम्हें, 6th वाली रो से करना है, 4f, 5f, बस इतना ध्यान रखना है, फिर मैं अब आगे चलूंगी। चलो, लिख लिया तुमने? Yes, ma'am. अभी क्या लिखा है, मैं दोबारा से लिख रही हूँ यहाँ पे, फिर आइए, 1 है, अब तुम खुद लिखो, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, और यहाँ पे एक 3d भी आ जाएगा, 5s, 5p, 4d आ जाएगा, 6x, 6p, यहाँ पे 4f आ जाएगा, है ना, और 7s, 7p, बोलो, यही लिखा है ना मैंने? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यही क्या है, yes, यही ma'am. एनर्जी का ऑर्डर, यही तो है जो तुम्हारी बुक्स लिखती है। आ जाओ, कैसे, 1s की एनर्जी सबसे कम, बढ़ते जाओ आगे, फिर 2s की, फिर 2p की, फिर 3s की, फिर 3p की, समझ में आया? Yes, ma'am. 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3p के बाद 4s, फिर 3d, फिर 4p, देखो, ठीक है, फिर 4p के बाद किसकी एनर्जी है, 5s, फिर 4d, फिर 5p, बोलो क्या कहते हो, फिर किसकी एनर्जी है, 6s की, फिर 4f की, फिर 5d की, और फिर 6p की, ठीक है, फिर आ जाओ, फिर किसकी है, 7s की, 5s की, 6p और 4p, सॉरी 7p की, बताओ क्या इसमें हो गया, खत्म कहानी। यस मैम, यस मैम, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारी बुक में क्या है, 8s तक है, तो लास्ट में 8s आ जाएगा, वरना वैसे तो इतने की भी जरूरत पड़ती नहीं है ज्यादा, तुम्हारे अगर मैं 11, 12 तक की बात करूँ ना, ज्यादा से ज्यादा तुम्हें जरूरत पड़ती है यहाँ तक, 4d तक बस, उससे ज्यादा नहीं पड़ती, बट मैंने तुम्हें ये सारी बता दी, अब तुम भूलना मत इसको, ठीक है, भूलना मत, जैसे मैंने बताया ना वैसे कर लो, लेकिन अगर किसी को मान लो पहले से ही याद है तो फिर इससे अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती, फिर मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हें जैसे करना है करो, बट यस पता होनी चाहिए चीजें, क्योंकि यही सेम ना तुम्हारा पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में बहुत ज्यादा यूजफुल होगी, जब वहां पे तुम ग्रुप नंबर ये सब निकालोगे, ठीक है, हो गया? Okay, यानी कि अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग तुम कहां से करना स्टार्ट करोगे, लोवेस्ट एनर्जी से, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता ही दिया, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, ध्यान रखना है, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी नहीं है, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती है स्टेबिलिटी की, वहां पे पढ़ाऊंगी तुम्हें क्या बोलते हैं उसको, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा सा तुमने थर्मोडायनेमिक्स में भी बॉन्ड एनर्जी, थर्मोकेमिस्ट्री में तुमने बॉन्ड एनर्जी वाले क्वेश्चन किए होंगे, तो बॉन्ड एनर्जी जितनी, बॉन्ड एनर्जी बेसिकली वही होती है बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो जितना ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होती है उतना स्टेबिलिटी, ये बॉन्ड एनर्जी से मत इसको प्लीज रिलेट करने दा, कर देना। हाँ मुस्कान मैडम, लिख दो, लिख दूं? अच्छा मैम, वरना भूल जाएंगे हम, लो, हाँ जी बोलो, बोलो बेटा, मैम अभी थर्मोडायनेमिक्स पहले करा के बाद में सब चैप्टर करा सकते हो, क्योंकि स्कूल में रहता है तो फिर वो भी हो जाएगा साथ में, ना 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 ना, नॉट पॉसिबल बेटा, क्योंकि प्लानर बन के समझ आ जाता है अच्छे से, मेरा समझ में आ जाता है, कोई नहीं, मैं अपनी रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी तुम्हें, टेंशन क्यों लेते हो, मेरे पास रिकॉर्डिंग्स पड़ी है मेरे पास लास्ट ईयर की, मैं तुम्हें वो शेयर कर दूंगी मेरा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर इट इन ग्रुप, हां जी क्या ग्रुप में, क्या ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा,
अच्छा ग्रुप में ही शेयर कर दूं? अच्छा अच्छा ओके गॉट इट, ठीक है मैं लिख लेती हूँ, ठीक है मैं भूल जाती हूँ, बहुत भूल जाती हूँ, मैं शेयर कर दूंगी तुम्हें जो भी चैप्टर का चाहिए तुम्हें जियो देखो, क्योंकि ना अपने पास तुम्हें भी पता, देखो तुम्हें इतने समझदार हो तुम, अपनी लेट क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो सारे चैप्टर तो पॉसिबल नहीं है, तो जितने प्लानर में है ना उतना मैं करा पाऊंगी तुम लोगों को। हाँ ऐसा नहीं है कि मैं थर्मोडायनेमिक्स कभी पढ़ाऊंगी नहीं तुम्हें, 12th का जब सिलेबस खत्म हो जाता है ना बच्चों का उसके बाद फिर मैं 11th ही कराती हूँ, लेकिन बट फिर भी तुम लोगों को करना है तो मैं तुम्हें मेरी प्रीवियस ईयर की रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगी आराम से कर लेना। चलो जी आगे चलते हैं, चलो अब यहाँ पे हेडिंग डालो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लिखवाना लिखाना सिखाते तुम्हें, लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है मैं सबसे पहले सिखा रही हूँ मल्टी इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज समझ रहे, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट का, देखो जो मैं ये तुम्हें ऑर्डर बता रही हूँ ना ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है लिख लो, वैलिड फॉर ओनली मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। इसका अच्छे से मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊंगी तुम्हें जब तुम्हें मैं पीरियोडिक में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बताऊंगी, क्योंकि बेटा अगर वैसे तुमने पढ़ा भी हुआ है थोड़ा सा मैं बता भी देती हूँ, क्योंकि मल्टी इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो हर शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है तो उसकी वजह से आपका न्यूक्लियर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट आता है, गेटिंग माई पॉइंट, तो वहां पे एनर्जी का ऑर्डर हम इसके लिए लगाते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है लेकिन अगर मान लो आप बोलो कि मैम सिंगल इलेक्ट्रॉन ही है, समझ रहे हो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल है, फिर क्या करोगे उसमें क्या होता है, उसमें आपकी जो एनर्जी होती है जैसे 1s है 2s की ज्यादा ही होगी ऑब्वियस ही बात है, लेकिन 2s 2p की सेम होगी, फिर जैसे 3s की ज्यादा होगी लेकिन 3s 3p 3d की क्या होगी बोलो सेम होगी, फोर्थ वाले की ज्यादा होगी तो लेकिन 4s 4p 4d 4f की सेम होगी। ये आपका नीट का क्वेश्चन है, अभी रीसेंट आया और काफी बार आया हुआ है कि अगर हम सिंगल इलेक्ट्रॉन की स्पीसीज की बात करते हैं वो तुम्हें कोई दे दे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज बोल दे, अभी मैं कल भी कराऊंगी क्वेश्चन इस पे, वो पूछेगा बताओ कौन सा ऑर्डर ठीक है, तो ध्यान रखना वो जान करके पहला ही तुम्हें ऑप्शन कौन सा देगा, ये वाला देगा जिसमें एनर्जी बढ़ रही है, लेकिन ध्यान रखना सिंगल इलेक्ट्रॉन में क्या होता है ये वाला ऑर्डर होता है, एन की वैल्यू पे डिपेंड करता है सिर्फ ऑर्डर, गेटिंग माई पॉइंट, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी एनर्जी बढ़ती जाएगी, बट जो पर्टिकुलर सबशेल है एसपीडी जैसे 3 में एसपीडी है तीनों की एनर्जी बराबर, फोर्थ में एसपीडीएफ बराबर, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है ना, जब एक इलेक्ट्रॉन की बात हम करते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का कोई कॉन्सेप्ट ही अराइज नहीं होता। ठीक है ये सब मैं कहां डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी वहां पे पीरियोडिक में। ठीक है चलो अब आ जाओ मल्टी इलेक्ट्रॉन में मुझे क्या बताना है, जैसे मान लो सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर नहीं पता तो याद करो भाई बहुत काम का आएगा, सोडियम का 11 होता है, क्योंकि तुम लोग स्कूल में पढ़ चुके हो पीरियोडिक वाला, ध्यान से सुन लो हाइड्रोजन से लेकर जिंक तक सबको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए 130 समझे कि नहीं समझे, इसके बिना ना पीरियोडिक वाली क्लास अटेंड करने का फायदा नहीं होगा फिर। ठीक है अभी तो कोई बात नहीं आओ, लेकिन अभी भी थोड़े थोड़े का पता होना चाहिए, जैसे अगर मेरा बेटा सोडियम है हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सबसे पहले 1s, ठीक है 2s, फिर 1s, एक s में एक ही और वाइटल है तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, दो दो इलेक्ट्रॉन, 2s2 चार, उसके बाद 2p6 3s1 में ना बेटा 11 है ना, 6 4 10 और 11, पी में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं इसलिए मैंने 6 से आगे गई नहीं, तो यहाँ पे कोई 2p7 नहीं बोलेगा, ठीक है तो 3s1। अगर मान लो मैं फॉस्फोरस ले लूं, फॉस्फोरस का 15 होता है मैम याद होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, 9th-10th में ही सिखा देते हैं टीचर्स, तो 1s2 2s2 2p6 समझे, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें मैं करा रही हूँ,
जैसे मान लो आयरन है, आयरन का होता है 26, अगर तुम्हें नहीं पता इट्स ओके, मैं बता रही हूँ अभी 26 होता है, ठीक है, फिल करो अपने आप करो। मैग्नीज का फिल करना 25 होता है, फिल करो खुद से, तब तुम्हें आएंगी चीजें समझ में, खुद से फिल करना स्टार्ट कीजिए। टाइम लगेगा अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है तो, एकदम से नहीं सीख पाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बस 2-3 बार लिखो हो फिर गया आ जाओ। मैम डन, वेरी गुड, ओके। मुस्कान, सलोनी, अरिशा, दीपांकर, ओके, करते जाओ करते जाओ, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो आप साइड में वो ट्रिक लिख लो जो अभी मैंने लिखवाई है, 1s 2s 2p 3s 3p, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उससे। रिया आप बताइए, माइक अनम्यूट करके, आयरन के केस में मैं कैसे लिखूं बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉन को कैसे फिल करूं? हाँ जी बताओ, आफ्ताब तुम बताओ। मैम 1s 2, 2s 2, 2p6, 2s 2, 2p6, 3d8, 3d8, 4s कहाँ हो गए? 4s 2 and 3d6, सॉरी वो आगे पीछे हो गया थोड़ा, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस कर लेना ठीक है। तो दिस इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर आयरन। अब आते हैं मैग्नीज की, कर लिया 25 तक फिल करना, फाइव कर दो, 2s 2 2p 6 3p 6 4s 2 3d 5 3d 5 3d 5, यस मैम, ठीक है। बताओ भाई कोई किसी को प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को एक बार, वो आपको ट्रिक ध्यान रखनी पड़ेगी बेटा। माइक ऑन नहीं हो रहा, कोई कोई बात कोई बात नहीं। हाँ चैट में बिल्कुल लिख सकते हो, चले फिर आगे। यस मैम। तो यहाँ पे ना ये कुछ 1 to 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है, जो कि तुम इसमें से तो नहीं देखोगे फॉर श्योर, घर पे बैठ के लिखोगे, हाइड्रोजन से लेकर मैं तो कहती हूँ जिंक तक लिख लेना, ठीक है, ये तो 20 तक लिखा हुआ है, तुम 1 से 30 तक लिख लेना, ठीक है बेटा। हाँ जी यस, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, अभी अभी लिखवाऊंगी, रुक जाओ रुक जाओ। तो 1 to 30 आप लोगों को लिखना है, ठीक है, और खुद से लिखना है, क्योंकि अगर तुमने ये नहीं सीखा ना तुम्हारे को आगे पूरी केमिस्ट्री में फिर दिक्कत आएगी, ना तुम अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे है ना, ना तुम फिर आयंस के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पाओगे, ना तुम मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल पाओगे, तो सारी चीजें इस पर डिपेंड करती है, तो इसीलिए आपको ये आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कुछ और भी है ना तुम्हारा, रुको एक बार, आयंस के लिए बताना था तुम्हें, ठीक है, वो अच्छा आगे आएगा क्या, कहाँ गया वो एक्सेप्शन वाला, अच्छा ठीक है चलते हैं। एक्सेप्शन से पहले एक बार मैं फटाफट हुंस रूल बता दूं, तीसरा रूल है ये मेरा बेटा, हुंस रूल, हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, क्या कहता है ये, पहले तो बुक वाली लैंग्वेज पढ़ लो फिर एक बार मैं अपने तरीके से बता दूंगी। वो ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो मल्टीप्लिसिटी होता है मैनी मैनी ऑफ द सेम काइंड, ठीक है, मतलब सेम स्पिन के बहुत सारे, इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ऑर्बिटल ऑफ सबशेल इन सच अ वे एज टू गिव मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद पैरेलल स्पिन। क्या कहने का मतलब है आओ देखो, जब वर्ड आए ना अनपेयर्ड और वर्ड आए पेयर्ड, तुम्हें पता है पेयर्ड का मतलब क्या होता है, पेयर है दो जोड़ी बनी हुई है, दो इलेक्ट्रॉन जोड़ी बनी हुई है, अगर अनपेयर्ड है तो सिंगल सिंगल है, सीधी सी बात है, यही मतलब हुआ बस। मान लो मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, सपोज तुम्हारे पास नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन होता है एटॉमिक नंबर 7, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम फिल करो, मतलब लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p3, ठीक है, तो p में कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो p में है तुम्हारे 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
इस तरीके से देख रहे हो, यही है ना फिल करना है, बताओ। यस मैम। लेकिन अब एक चीज ना देखो यहाँ पे ना, सुनो सुनो इधर आओ, 1s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तुमने फिल कर दिए, 2s में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, अब जो यहाँ पे ना तीन इलेक्ट्रॉन है, इसको फिल करने की अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। हो सकता है आप ऐसे फिल कर रहे हो, है ना, हो सकता है कि तुम लोग ऐसे फिल कर रहे हो, हो सकता है कि तुम लोग ऐसे फिल कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा, एक नीचे ले आए और एक ऊपर ले आए। तो हुंस रूल यही कहता है कि भाई मैक्सिमम जो सेम स्पिन, यहाँ पे लिख सकते हो तुम स्पेन्स, सेम स्पिन के बहुत सारे, सेम स्पिन के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो आपको दिख रहा है सेम स्पिन के बहुत सारे कहाँ पे हैं, फर्स्ट वाले केस में है, यहाँ पे नहीं है सेम स्पिन के, देख रहे हो आप, और यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है, ये तो बोलते हैं हुंस रूल तुम्हारी बुक वाली लैंग्वेज। ठीक है, मैं कैसे समझाती हूँ, मैं ऐसे समझाऊंगी कि जो तुम्हारे पास डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। मैम ये क्या होता है डीजनरेट ऑर्बिटल्स, सुना है किसी ने पहले डीजनरेट ऑर्बिटल्स? नहीं सुना। इधर देखो, जो डीजनरेट, इधर आओ, डीजनरेट ऑर्बिटल्स लिख लो, आर दोज ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी, जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। जैसे तुम्हारे पास पी और बाई, पी सबशेल है, उसमें तीन ऑर्बिटल है, पी एक्स पी वाई पी जेड, तो तीनों की एनर्जी सेम होगी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं डी, तो डी की पांच ऑर्बिटल है, तो उनकी पांचों की पांचों ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, सेम होगी। इनको बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो अब इसमें वो क्या कहता है, जो आपके डी जनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें हुंस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले आपको क्या करना है, हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल दिया मैंने, हर ऑर्बिटल में सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करना है। एक बार सारे ऑर्बिटल ऑक्यूपाई हो जाए उसके बाद आपको जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन होगा वो फिर यहां से चालू करोगे फिल करना। गेटिंग माय पॉइंट? सबसे पहले मैं फिल कर रही हूं, सबसे पहले आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन फिल करोगे, उसके बाद ही पेयरिंग करवाना चालू करोगे। जैसे अगर मान लो मेरे पास ऑक्सीजन होता, तो ऑक्सीजन में होता 1s2 2s2 2p4। ठीक है, 1s2 2s2 2p4, तो वहां पे क्या होता, जो फोर्थ तीन तो भर दिए, जो फोर्थ वाला होता फिर वो यहाँ पे आता, अगर 2p5 होता तो यहाँ आता, 2p6 होता तो फिर यहाँ पे आता। इस तरीके से p और जो आपका p और ऑर्बिटल है उसमें 6 के 6 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भर जाते। आया समझ में? यस मैम। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, यानी कि ये वाला केस तो गलत ही हो गया, इसमें तो मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन तो फिल किया ही नहीं तीनों में, पहले ही पेयरिंग करवा दी, तो दिस इज नॉट द करेक्ट वे टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर नाइट्रोजन। यस और नो? यस मैम। यस मैम। इसमें देखो, इससे मैंने क्या किया, एक एक इलेक्ट्रॉन तो दिया लेकिन बीच वाली में क्या किया, स्पिन को उल्टा कर दिया, और हम चाह रहे हैं कि हमारे सेम स्पिन के बहुत सारे हों, तो यहाँ पे तो स्पिन मैंने उलट दी। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मान लो इसका प्लस हाफ होगा, गेटिंग माई पॉइंट, इसका माइनस हाफ होगा, इसका क्या होगा, प्लस हाफ, तो ये तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ माइनस हाफ, स्पिन आ जाएगी सिर्फ प्लस हाफ, हाँ या ना? जबकि इसमें देखो प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो स्पिन कितनी आई टोटल, 3/2। बोलो। yes, यही तो बोल रहे वो, तो स्पिन किसकी ज्यादा है, फर्स्ट वाले की, तो यानी कि अपना जो फर्स्ट वाला है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है नाइट्रोजन के लिए, हाँ के ना? यस मैम। यस मैम। तो बस आपको इस तरीके से ही ध्यान रखना है, जैसे मान लो आपका कोई डी सबशेल है, डी में पांच ऑर्बिटल हैं, तो सबसे पहले पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे, फिर जो सिक्स्थ वाला इलेक्ट्रॉन आएगा उसकी पेयरिंग करवाना फिर वहां से चालू करोगे। ठीक है, तो यही है तुम्हारा हुंस रूल। क्या है? हुंस रूल। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अभी क्वेश्चंस भी करेंगे बहुत सारे। लास्ट तुम्हारे पास रूल आता है, हां जी बेटा पूर्वा, ओ सॉरी अरिशा। मैम जो ये स्पिन, जैसे आपने बोला ये इसमें ज्यादा है, तो ये सही ऑर्डर है, तो इससे क्या पता चलता है हमें स्पिन से? स्पिन से अपने को ये पता चलता है, क्योंकि हुंस का जो हुंस मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल है ना, वो यही कहता है कि हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिनकी स्पिन ज्यादा हो। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पे भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तीसरे में देख रहे हो ना, इसमें भी लास्ट वाले में भी तीन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
लेकिन स्पिन किसकी ज्यादा है, स्पिन आपकी इसकी ज्यादा, 3/2 आ रही है, प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, इसकी यहाँ क्या आ रही है, प्लस हाफ आ रही है। तो ये रूल बोलता है कि भाई इस तरीके से इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आए विद पैरेलल स्पिन। ये रूल है, हुंस रूल है, जैसे ओगो आपका रूल है, सेम यहाँ पे आपका हुंस रूल है। तो इन रूल्स को ही ध्यान में रखते हुए मेरा बेटा अपने को इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करनी होती है, ठीक है। ऐसे ही पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, वो ये कहता है, फोर्थ रूल तुम्हारा ये है, ओफबो रूल हो गया अपना, हुंस रूल हो गया, पॉलीज ये कहता है, पॉलीज ये कहता है भाई कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम वैल्यूज ऑफ फोर क्वांटम नंबर। ये देखने में ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है इसका। वो ये बोल रहा है किसी एटम में मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, मान लो किसी एटम के एक ऑर्बिटल में तुम दो इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो उन दो इलेक्ट्रॉन का कभी भी जब तुम NLMS निकालोगे तो उनकी कभी भी सेम वैल्यूज नहीं आ सकती। मतलब अगर तुम किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हो तो दो इलेक्ट्रॉन के लिए कभी भी चारों की चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं आ सकती है, ये बोलता है पॉलीज, ठीक है। लेकिन कैसे समझेंगे, मेरे को पता आधे से ज्यादा बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं तुम्हें समझाती हूँ वो क्या बोल रहा है। आओ एक बार लिखना स्टार्ट करो। मान लो ये हो ना कि एक एड्रेस पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, एक एड्रेस पे दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे, यस यस, मतलब हाँ मतलब यही कह रहा है कि क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ तुम्हें, मान लो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो है 1s एंड 2s में, ठीक है। अभी मैं सारी पॉसिबिलिटीज लिख के बताती हूँ, ठीक है, इसमें है तुम्हारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें पता है 1s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो होते हैं, और इसमें दो ही होंगे, अच्छा तो मुझे बताओ 1s के लिए, अरे कंपेनियन मोड ऑफ करो, 1s के लिए n की वैल्यू 1 है और इसके लिए क्या है, n की वैल्यू 2 है, हो गए ना अलग अलग क्वांटम नंबर, बताओ n की वैल्यू दोनों में अलग अलग है, क्योंकि यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा वो फर्स्ट वाली शेल में प्रेजेंट है, इसमें सेकंड वाली में होगा। तो आप देख पा रहे हो 1s और 2s में क्या हुआ, पहला ही क्वांटम नंबर क्या आ गया, डिफरेंट आ गया। तो ये मतलब है मेरा, अगर मान लो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जो है 2s और 2p में है, ध्यान से सुनना, मैं सारे पॉसिबल केसेस ले रही हूँ, 2s 2p में, अब यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे भी n की वैल्यू 2 है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो भैया है तो किसमें, सेकेंड वाली शेल में, लेकिन इसमें l की वैल्यू क्या है, 0 है, और इसमें l की वैल्यू 1 है, लेकिन मैम सब शेल अलग है उनका, फिर एक अगर 0 वाली उसमें है, एक में l की वैल्यू 0 है तो दूसरे की क्या है, l की वैल्यू 1, यानी कि एक s में बैठा और एक p में है, गेटिंग माई पॉइंट, यस मैम, यस मैम, ठीक है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी आती है, अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं इलेक्ट्रॉन इन 2pz एंड 2px, है ना, अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन है 2pz में 2px में, तो इधर देखो 2pz में n की वैल्यू 2, 2px में भी n की वैल्यू 2, बोलो हाँ के ना, 2px में l की वैल्यू 1, इसमें भी l की वैल्यू 1, यानी कि मैम शेल भी सेम है, सब शेल भी सेम है, लेकिन pz में l की वैल्यू क्या है, 0 है, और इसमें ml की वैल्यू क्या हो सकती है, +1 या माइनस, लेकिन मैम यस, लेकिन मैम जो वो इलेक्ट्रॉन आपने फिल किया ना, ml की वैल्यू उसकी डिफरेंट है, वो सेम नहीं है, ठीक है। और कौन सी पॉसिबिलिटी आती है, फोर्थ वाली पॉसिबिलिटी क्या है, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे क्या हो 2s में ही हो, और आपको पता है 2s में क्या होते हैं, दो ही इलेक्ट्रॉन होंगे, दो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो मैम उन दो इलेक्ट्रॉन का n की वैल्यू भी सेम है, l की वैल्यू भी सेम है, ml की वैल्यू भी 0 है, लेकिन स्पिन अलग हो गई, अगर एक प्लस हाफ है तो दूसरा माइनस हाफ, यानी कि इलेक्ट्रॉन के लिए सारे के सारे क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, अगर 3 की सेम हो सकती है फिर भी फोर्थ वाला तो डिफरेंट हो गई, जस्ट लाइक दिस। तो ये मतलब, yes, ma'am। और क्या बोलता है वो, और ये वो बोलता है, यानी कि इससे आप क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो कि और एक ऑर्बिटल में पहली बात है मैक्सिमम दो ही इलेक्ट्रॉन आएंगे, एंड दे शुड हैव अपोजिट स्पिन, दोनों की स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। अगर तुमने भाई साहब स्पिन सेम रख दी तो फिर चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी,
सेम हो जाएगी इन वाले केसेस में, जो कि नहीं होती है अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यानी कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन की, कोई भी दो इलेक्ट्रॉन ले लो तुम, उनकी सेम वैल्यू हो ही नहीं सकती है। मतलब NLMS की वैल्यू सेम नहीं हो सकती, तीन की सेम हो सकती है लेकिन एक फिर भी कोई डिफरेंट हो जाएगा। फिर वो अगर एक शेल की बात करें तो अगर दो अलग की कर रहे हैं जैसे 1s 2s, बस यही आपको ध्यान में रखना है। हो जाएगा? यस मैम। मुश्किल है क्या? यस मैम, हो जाएगा। ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक छोटा सा जो अभी तुम भी बोल रहे थे मैम, एक्सेप्शन ऑफ ऑफ वो प्रिंसिपल, तो यस तुम्हारे बुक में दो एक्सेप्शंस दी हुई है, एक क्रोमियम की दी हुई है, एक कॉपर की दी हुई है। तो आपको इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए तुम्हारे, क्योंकि 12th में डी ब्लॉक का नाम का चैप्टर भी है। क्रोमियम का होता है 24, तो 24 की कैसे इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करूंगी, 1s2 2s2, ध्यान से देखना, 2p6 3s2 3p6 4s2 3d4, होना तो ऐसे ही चाहिए था, होना तो ऐसे ही चाहिए था। लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें पता है D में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। और ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन फुल्ली फिल्ड होते हैं, लाइक 10 के 10 भरे हुए हैं या P में 6 भरे हुए हैं, ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है हमारी, बहुत ज्यादा स्टेबल होती है। सबसे पहले तो फुल्ली फिल्ड, या उसके बाद तुम देखोगे हाफ फिल्ड। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में क्या होता है, डी ब्लॉक में तुम पढ़ते हो 4s और 3d के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो कम होता है। तो 4s में से 4s में दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक्साइट होके 3d में चला जाता है और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारी फाइनली बन जाती है। ऐसे क्यों हुआ मैम, ऐसे तो फिर यहाँ का भी करवा दो फिर, नहीं यहाँ पे इसलिए हुआ क्योंकि ये करने से हमें क्या मिल रहा है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है। बोलो हाँ के ना, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, स्टेबिलिटी आ रही है। तो एक क्रोमियम की ये एक्सेप्शन है। ठीक है, आ रही हूँ अफ्ताब लोग को। कॉपर में क्या होता है, 29 होता है, तो इसकी कैसे लिखोगे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, होना तो ये चाहिए कायदे से। लेकिन क्योंकि हमें पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन में s का d वाले में पहुंचा दूंगी तो मुझे 3d10 मिलेगा, विच इज फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन, जो कि ज्यादा स्टेबल होती है। तो सबसे ज्यादा फुल्ली फिल्ड, फिर हाफ फिल्ड, फिर या तो जिसमें कुछ नहीं है, ये वाला ज्यादा इस तरीके से आप स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी ध्यान रख सकते हो। ये वैसे डी ब्लॉक में काम आएगा, अभी यहाँ पे नहीं आएगा इधर। ठीक है, हाँ आफ्ताब अब बोलो। मैडम आपने कहा कि 3d मतलब 3d की लिमिट 10 तक है, तो आपने सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को क्यों रिमूव किया, दोनों को कर देने चाहिए थे, एक के क्या मतलब? इधर आओ, अगर मैं मान लो दोनों को कर देती तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाता, 3d6 बन जाता। 3d6 स्टेबल है याद है या 3d5 है? 3d5 बस, तो फिर हाफ फील्ड है ना, टोटल मैक्सिमम 10 आ सकते हैं। यस मैम, समझ गया। मैंने 5 फिल कर, हाँ तभी एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, एक्साइट हो गया। तुम्हारे एनसीईआरटी में वो एक्सचेंज एनर्जी वाला बहुत सारे रीजन दे रखे हैं, बट यस वो मेरे नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का नहीं है। वैसे तुम तुम्हारे स्कूल के लिए पढ़ सकते हो, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना कि इन किन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होती है, क्योंकि ये अगर तुम्हें पता होंगी ना तो ही सवाल आगे अच्छे लेवल के कर पाओगे। याद रहेंगी दो कॉन्फ़िगरेशन, ये तुम्हारे बोर्ड में आती है। अरे माइक म्यूट करो, एनसीईआरटी की लैंग्वेज लिख के आनी है जो तुम्हारे एनसीईआरटी में लिखी हुई है। ठीक है, वो तुम्हें दो नंबर दिला देगा, बट नीट में तुम्हें ये नहीं पूछेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ बोलो, ये मैंने सिखा दिया, ये भी सिखा दिया है। ठीक है, ये रोंग क्यों लिखा हुआ है, यहाँ राइट लिख लो, दिस इज राइट कॉन्फिगरेशन। ठीक है, चलूं आगे। चलो उसके बाद बेटा हम बात करते हैं आयंस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आयंस की कैसे करेंगे, इधर आओ। जैसे मान लो मेरे पास है Na+, तुम्हें ये मालूम होना चाहिए। हाँ मुस्कान पूछो ना, बोलो बोलो। मैम ये जो क्रोमियम था हमारे पास, इसमें हमने लास्ट वाले से इलेक्ट्रॉन जंप करा के लास्ट वाले में भेज दिया, मतलब सेकेंड लास्ट से जंप करा के। लेकिन आपने कहा था कि जो फुली फिल्ड ऑर्बिटल होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं, अगर हम जंप ना कराते तो वो फुली फिल्ड हो जाता और जो हमारा लास्ट वाला था वो मतलब 4 इलेक्ट्रॉन बचते तो वो भी फुली फिल्ड हो जाता। तो
तो फिर हमें जरूरत क्यों पड़ी कि नहीं, वो तो जब आप स्टेबल ही हो गए। नहीं, जब आप इधर देखो, जब आप ये है ना अपनी, जब तक हमें एक्सेप्शन नहीं पता था ये था हमारे पास, देख रहे हो? यस मैम, यस मैम। अब मैंने क्या किया, तुम शायद ये बोलो कि मैम फॉरेस्ट वाला भी तो फुल्ली फिल्ड है, ये बोल रही हो तुम? यस मैम। हाँ, फॉरेस्ट वाला फुल्ली फिल्ड है, लेकिन डी वाले में क्या है, आपके चार इलेक्ट्रॉन है। मैं क्या बोल रही हूँ कि यहाँ इनके बीच में क्या होता है, एनर्जी डिफरेंस कम होता है 4s और 3d। जब अगर मैं 4s और 3d की बात करूँ ना, इनके जो शेल की बात करूँ, तो इनमें एनर्जी डिफरेंस कम होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके इसमें जा सकता है। ठीक है, वो इसलिए जा रहा है फिर क्योंकि डी कहता है भैया मैं तो चार लेके खुश नहीं हूं, मेरे को एक चाहिए हाफ स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ठीक है, हाफ फिल्ड। तो यहाँ से क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे चला जाता है और इसको स्टेबिलिटी मिल जाती है, और ये तो वैसे भी हायर एनर्जी वाला, ये तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा अपना, फटाफट से निकाल देगा। ठीक है मुस्कान, बोलो बोलो, यही क्वेश्चन था क्या तुम्हारा? ओके ठीक है, जब आप अपनी एनसीईआरटी ओपन करेंगे ना, वहां पे एक्सचेंज एनर्जी का कुछ रीजन दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, यस मैम। आप देखेंगे वहां पे उसे उन्होंने ना डायग्राम से बनाए हुए, और जब एक्सचेंज करा रहे हैं तो वहां पे दिख रहा है कि एक्सचेंज बहुत ज्यादा हो रहा है, एक्सचेंज एनर्जी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। ठीक है, तो वो आप किस पे कर सकते हैं, वो जस्ट आप रीड कर सकते हैं उसको, और आपके बोर्ड्स के लिए वो ठीक है। बट यस, अगर मैं नीट की बात करूं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्रोमियम और कॉपर की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इसीलिए ऐसी है क्योंकि हमें हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है 3d5, एंड कॉपर में हमें 3d10 मिल रही है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। हाँ बोलो मैम, हाउ एक्सचेंज एनर्जी गिव अस लाइक स्टेबिलिटी, क्योंकि जैसे एनसीईआरटी की लाइंस में लिखा हुआ है कि वो स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, पर ऐसा क्यों हो रहा है? मैं इसके बारे में बताऊंगी अरिशा, मैं इसके बारे में डेफिनेटली बताऊंगी। ठीक है, इसके लिए मुझे अलग से 10-12 मिनट चाहिए, मैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, फॉर नाउ अभी ये ध्यान कि हाफ फील्ड और फुल्ली फील्ड की वजह से ये स्टेबल होते हैं। ठीक है बेटा, फिर मैं आगे चल के वो बताऊंगी। अब यहाँ पे अपन सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। पहले तो इधर आओ, सबसे पहले तुम सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, यही होता है? यस मैम। यस यस मैम। देखो Na+1 का मतलब क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, यानी कि वी हैव टू फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो तुम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे, देखो जो आपके हाई एनर्जी वाला होता है ना, जो आपके न्यूक्लियस से दूर है, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना आसान होता है एज कम्पेयर टू जो न्यूक्लियस के पास है। अब आपको दिख रहा है ये थर्ड वाला शेल जो है न्यूक्लियस के दूर है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है, तो यहाँ से मैं इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगी, तो ये आपका Na+ का क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या ये मुश्किल था? नो मैम। जैसे कि एक और मैं लिख के दिखाती हूँ, मान लो तुम्हें Cr+3 का लिखना है, ठीक है मैं लिख के दिखाती हूँ फिर बाकी तुम लिख लेना। क्रोमियम का होता है 24, पहले क्रोमियम का लिखते हैं, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके अलावा 4s1, 3d5, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है। तो हायर एनर्जी वाला कौन सा होगा, यही होगा, बिकॉज पहले फर्स्ट शेल आती है, फिर सेकेंड शेल, फिर थर्ड शेल, फिर फोर्थ शेल, तो इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा, पहले एस में से निकलेगा, हटा दूं? बोलो। यस यस मैम। ये तो सारे क्या है, फुल्ली फील्ड है, तो यहाँ से भाई साहब इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें भयंकर एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि तुम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे। तो दो इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे फिर, 5 इसमें से निकालोगे 3d में से, तो ये क्या बन जाएगी, 3d3। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मेरा बेटा, ये बन जाएगी। बोलो हाँ के ना। यस मैम। यस मैम। अब तुम्हें क्या करना है, था सेम। अच्छा यस मैम, मेरे भी। अच्छा तो अब इसका करो तुम लोग, आयरन का करो, और एक तुम निकालो इसका, मैग्नीज की लिखो, और एक तुम लिखो जिंक की, जिंक का होता है 30। अभी मैं एटॉमिक नंबर बता दे रही हूँ तुम्हें। हिमांशी कुछ कह रही थी बेटा? नो मैम, वो गलती से डिजाइन हो गया था। ठीक है, एक बार ये करने का ट्राई करो, क्योंकि ना बेटा ये नहीं आएंगे ना तो तुम्हें मैं फिर वो नहीं सिखा पाऊंगी, अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं।
तो अपने को सीखना पड़ेगा ये पहले। आयरन की लिखो फिर दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, मैग्नीज की लिखो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, जिंक की लिखो दो इलेक्ट्रॉन निकाल दो। पहले एस में से इलेक्ट्रॉन जाएंगे फिर डी वाले में से जाएंगे। लो हिंट भी दे दिया तुम्हें। हो गए शाबाश, बाकी कर लो जिसका होता जाए हैंड रेज कर लो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं बस अभी स्टार्ट, बस दो चार मिनट में। लव लव कुश, रिया, मुस्कान, सलोनी, आशिया, यशवी, ऐसे तुम्हें संडे वाले टेस्ट में बहुत देखने को मिलेंगे क्वेश्चन, बहुत सारे आते रहते हैं ऐसे तुम्हारे पेपर में भी या टेस्ट में भी। तो आयरन का है 26, तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 4s1, 3d5, नहीं इसका बताओ, 4s2, 3d6, 3d6, ठीक है। दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालू, एस वाले में से, 4s में से। और इसका कैसे करोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 25 है ना, तो यहां तक तो 18 हो गए, 20 और 5, 25, दो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अरे आउटर मोस्ट शेल किसने कहा, डी वाला है ये, थोड़ी ना बाद में लिख रही हूँ, वो है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है वही होता है तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल। पीरियोडिक में पढ़ते हो ना, ये पीरियड नंबर ऐसे निकालते हो ना जो मैं तुम्हें बताऊंगी, हाईएस्ट जो एन की वैल्यू होती है वही तुम्हारा आउटर मोस्ट शेल होता है। लव ठीक है, तो 3d5 हो जाएगा। जिंक का लिख लोगे, यस मैम, यस मैम, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, लेकिन आपको दो इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कहां से निकालोगे, फोर्थ वाले में से, 4s में से, क्या हो जाएगी, फाइनल हो जाएगी। ठीक है, यस मैम। आउटर मोस्ट शेल कौन सी होती है जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज्यादा होती है, यही तो पीरियड नंबर भी होता है। पीरियड नंबर भी तो ऐसे निकालते हो जैसे इसका फोर्थ पीरियड है, बेशक तुम वहां पे देख लो तुम्हारे टेबल में, ठीक है, वो मैं उसमें बताऊंगी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, अपना पहला ही लेक्चर होगा पीरियड नंबर ग्रुप नंबर पे, ठीक है, इस तरीके से निकालना है। अब बात आती है मेरा बेटा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं। मैंने तुम्हें एक चीज तो बता दी ना, जो जो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब मान लो तीन है तो इसका मतलब तीन अनपेयर्ड है। अगर मान लो ये लिखा हो मैंने, कितने दिख रहे हैं तुम्हें सिंगल, पांच, तो मतलब पांच अनपेयर्ड है। अगर मैं मान लो तुम्हें ऐसे बोल रही हूँ, कितने हैं सिंगल, चार, तो चार अनपेयर्ड, एक जोड़ी और बना दी तीन रह गए, एक जोड़ी और बना दी दो रह गए, एक जोड़ी बना दी एक रह गया, इसमें मतलब एक भी नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट, ऐसे अपन क्या चेक करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चेक करते हैं। जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मान लो तुम्हें निकालने हैं क्रोमियम प्लस थ्री में, तो क्रोमियम प्लस थ्री की मैंने अभी तुम्हें कॉन्फिगरेशन लिखवाई है, मैं पूरी नहीं लिखवाऊंगी, मैं लास्ट वाली लिख रही हूँ 3d3, क्योंकि देखो 3d3, बाकी ये सारे फुल्ली फिल्ड है देख रहे हो, तो यहाँ पे आप अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं देखोगे। तो 3d3 मतलब क्या हो गया, डी में कितने इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, 1 2 3, कितने सिंगल हैं, कितने सिंगल हैं, तीन सिंगल हैं, तीन सिंगल हैं, तो तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर मान लो मैं तुम्हें बोलूं मैग्नीज में बता दो बेटा, तो मैग्नीज में अभी तुम लिख के आए कितने निकाल के, इधर आओ निकाल के 3d5 फुल्ली फिल्ड है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर मान लो तुम्हें आयरन प्लस टू में लिखना हो तो कितने, देखो क्या लिख के आए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3d6, तो क्या 6 अनपेयर्ड होंगे, नो मैम, 4 होंगे, एक पेयर हो जाएगा पूरा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर हो जाएगा। हुंस इधर आओ, इधर आओ, हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन, अब भर गए और बाइटल, तो नेक्स्ट 6 इलेक्ट्रॉन का आएगा फिर यहाँ, तो कितनी सिंगल बच गए, 4, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यस मैम, हो गया। तो ऐसे तुम क्या निकालते हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मैम ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्यों सिखा रहे हो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे सवाल आता है, वैसे तो एक्चुअली में जो ये अभी मैं टॉपिक बता रही हूँ ना, जो भी मैं बोलने वाली हूँ वो तुम पढ़ते हो 12th में, बट दिक्कत ये है कि तुम लोगों के टेस्ट में क्वेश्चन आ जाते हैं उससे, फिर मैं वो करवा देती हूँ क्योंकि फिर तुम्हारे मार्क्स कट जाएंगे,
यहाँ पे एक सवाल आता है बेटा मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का, सुना है? नो मैम। पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक वाला ना? यस मैम वो सुना है। यस बेसिकली मैग्नेटिक मूवमेंट तुम्हें क्या बताता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज बताता है एटम की, ठीक है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, इधर आओ। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में दो चीजें आती है, एक तो पैरामैग्नेटिक पहले सुन लो, और हमारे पास आती है डायमैग्नेटिक, ठीक है? पैरामैग्नेटिक मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, एटलीस्ट वन, ठीक है? और इसमें जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। निकालते कैसे हो आप? निकालने का एक फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट को, म्यू से डिनोट करते हैं, म्यू। तो ये होता है फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस टू, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो तुम्हें निकालना है एम एन प्लस टू का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना है, तो कितने अनपेड अभी तुम निकाल के आए थे? फाइव अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या करोगे, फाइव की वैल्यू यहाँ पुट करोगे, फाइव इंटू फाइव प्लस टू, तो कितना आ जाएगा, रूट 35, और इसकी यूनिट होती है बीएम, बोहर मैग्नेटोन। ये तुम फिजिक्स में भी पढ़ते हो डिटेल में, लेकिन केमिस्ट्री में तुम इसका सिर्फ फॉर्मूला पढ़ते हो। टेस्ट के मार्क्स से क्या होता है, धीरे धीरे पता चलेगा, लव कुछ इस पे ध्यान दो मेरा बेटा, टॉपिक से तुम बीएम की क्या फुल फॉर्म थी लिखो लिखो, बोहर मैग्नेटोन। टेस्ट के मार्क्स से अगर तुम टेस्ट में नंबर नहीं ला रहे हो, इसका मतलब नहीं पढ़ रहे हो। मेरे लिए तो तुम्हारे टीचर्स के लिए जरूरी है टेस्ट में मार्क्स लाने से। अगर तुम ज्यादा ला रहे हो, मतलब पता चल जाता है कि तुम लोग चीटिंग से ला रहे हो, जेन्युइन तुम्हारा स्कोर है, तो अगर टेस्ट ही नहीं दोगे एनालाइज कैसे करोगे खुद को, ठीक है? इस तरीके से निकालना है। लेकिन 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 मेरे पास इसकी एक ट्रिक है, ट्रिक है, करें? एक तो तुम ऐसे करो भाई, अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालो, फॉर्मूले में पुट करो, रूट मान लो ना, तुमसे पूछूं भाई रूट 35 निकालो, कुछ बच्चे तो निकाल देंगे, कुछ बच्चे अटक जाएंगे। अब मैं तुम्हें इसकी ट्रिक बताती हूँ कैसे हम, मान लो रूट 30, अगर मान लो कोई बोल रहा है पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मैं एक ट्रिक बताती हूँ। लिखे ट्रिक, ट्रिक कहाँ लिखूं, जगह नहीं है, यहाँ लिख लेती हूँ। चलो आओ, इसको हटा दूं क्या, इसको हटा देती हूँ। बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन, हाँ जी बोलो। हाँ मुझे देखना था। अरे क्या देखना था, मैं फिर लिख दूंगी अरीशा। देखो इधर, यहाँ पे क्या है आपका, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, मैं फिर लिख दूंगी, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे आपका मैग्नेटिक मोमेंट। अगर मान लो मेरा बेटा तुम्हारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन वन है, तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट आता है अप्रोक्सीमेट 1.8 के आसपास। अगर ऑप्शन में टू भी लिखा हो तो टिक मार्क लगा के आ जाना। अगर टू अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो उसका कितना आएगा, 2.8 बोहर मैग्नेटोन, बोहर मैग्नेटोन यूनिट है मैग्नेटिक मोमेंट की। अगर तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3.8, फोर है तो 4.8, फाइव है तो 5.8, 6 है तो 6.8, 6 होगा ही नहीं, जोड़ी बन जाती है ना, पांच भर के Yes, ma'am. चार रह जाते हैं, है ना, तो 4, 3, 2, 1 वापस चालू हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें अनपेड, बस तुम्हें क्या करना है, अनपेड इलेक्ट्रॉन का पता लगाना है, इस फॉर्मूले में भी पुट करने की जरूरत नहीं है। जैसे अभी मैंने मैग्नीज में बोला था भैया पांच अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका कितना आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, 5.8 बोहर मैग्नेटोन। अब तुम्हें ऑप्शन में पता क्या मिलेगा, 2, 3, 4, 5 या 3, 4, 5, 6, तो 6 वाला क्या करके आओगे, टिक लगा के आओगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये बेटा इधर आओ, क्लास लीव नहीं करनी, क्वेश्चन कराने हैं मेरे को 14, जाने नहीं दूंगी मैं क्लास से। कहाँ भाग रहे हो पता नहीं, अब तो मेन क्लास स्टार्ट होगी। मैम ठीक है, आपने बताया कि जो ये 5.8 है तो हाँ गलती होगी मैम, वो 5.8 अप्रोक्सीमेटली लेके हम 6 ले लेंगे, वो मैंने गलत समझ लिया था थोड़ा। कोई नहीं, क्लियर है क्या, बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. मान लो तुम्हें दे दिया जाए कैलकुलेट द मैग्नेटिक मूवमेंट इन बोहर मैग्नेटोन फॉर Fe2+। इसके लिए तुम्हें एटॉमिक नंबर मालूम होना चाहिए, इसके लिए तुम्हें अनपेड इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, इसके अलावा अगर तुम्हें ट्रिक नहीं पता तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके तुम्हें रूट निकालना पड़ेगा। ट्रिक पता है तो, और ये ट्रिक कम से कम मैं तुम्हें 11वीं 12वीं में 4 बार बताऊंगी, क्योंकि सेम ट्रिक तुम्हारे 12th में 2 चैप्टर में यूज होती है ये वाली, ठीक है? बट अगर मान लो तुम कोई बुक कर रहे हो, मॉड्यूल भी करोगे, इवन मैं क्वेश्चन भी दूंगी, वहां पे ये वाले क्वेश्चन है,
ठीक है, तो यहाँ से तुम कर सकते हो जाएगा मैम। क्या बोल रही थी आप? हाँ, अगर पैरा, देखो यस, पैरा मैग्नेटिक का मतलब क्या है, देखो जितना ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू होगी उतने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे, और जितने ज्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। ठीक है, बोलो, ठीक बात है ना? अगर मैग्नेटिक मूवमेंट, अगर ये लिखो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो फिर हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा ना। दो यहाँ पे देखो ना फॉर्मूले में। हाँ रवीना, मैम एक बार ट्रिक फिर से बता दो। देखो मेरा बेटा, अब अगर तुम्हें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो सबसे पहले तुम्हें पता लगाना पड़ेगा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। वन अनपेड है, मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा 1.8 के आसपास, एग्जैक्ट आता 1.73। टू होगा तो 2.8 के आसपास, थ्री होगा तो 3.8 के आसपास, फोर होगा तो 4.8, फाइव होगा तो 5.8। ठीक है, बस okay, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगी, किसी को कुछ पूछना है तो बोलो वरना चालू करते हैं क्वेश्चन। मैम मुझे पूछना था, आपने बोला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक मूवमेंट। मैंने ये बोला, यस मैंने बोला नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा होगा। मान लो तुम्हें चार दे दिए, स्पीसीज दे दी, और तुमसे पूछा है मैग्नेटिक मूवमेंट के ऑर्डर में लगाओ, तो तुम्हें क्या करना है, चेक करना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो यहाँ पे तुम ऐसे कर लो, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मैग्नेटिक मूवमेंट भी ज्यादा होगा, बिकॉज मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अरिशा ओके मैम, ठीक है, चलूं, परमिशन है तो तुम लोगों की आ जाओ। अब देखो अपने पास अभी ना 10 मिनट, 8:33 तक क्लास ले, तू जल्दी आओ, 14 क्वेश्चन करने अपने को। पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे, हाउ मेनी ऑर्बिटल, ध्यान से करेंगे, सोच समझ के करेंगे, एक से एक बढ़ के क्वेश्चन है ये वाले। हाउ मेनी ऑर्बिटल एंड इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद एन इज इक्वल टू 4। फटाक से करो, एक क्वेश्चन में 30 सेकंड से कम नहीं लगाने तुम्हें। चलो टाइम स्टार्ट हो चुका है तुम्हारा। I'm done. Very good. मैम हो गया। फिर भी आपको देखो डाउट्स तो आएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, तो वो डाउट्स के लिए मैं बैठी हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे हो तो थोड़ा सा हो सकता है भूल जाओ, तो इसीलिए रिवाइज करते रहना चीजों को। ओके हो गया। अरिशा आप बताइए। मैम ऑप्शन बी 16 and 32। 16 and 32, देखो 4 है, n की वैल्यू 4 है, और ऑर्बिटल का क्या फॉर्मूला होता था याद है, n की वैल्यू दे रखी होता है, n स्क्वायर होता था, तो 4 का स्क्वायर 16, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 16 में कितने आएंगे, 32। सेकंड क्वेश्चन कीजिए। वो कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है 3D ऑर्बिटल में, उसके लिए पॉसिबल NLMS की वैल्यू बतानी है, S की बतानी है क्या, नहीं सिर्फ NLM की वैल्यू बतानी है। शाबाश, हो गया क्या जिन्होंने हैंड रेस किया हुआ? Yes, ma'am. और क्या बात है, क्या बात है। अवंती वैसे कुछ DPPs भी हैं अवंती के अलग से, बाकी मैं वैसे तो मैं तुम्हें खुद बना के देती हूँ, बट उनके अलग से भी DPPs हैं, आगे जाके कभी तुम्हें प्रैक्टिस करनी हो ना तो आप मुझसे ले सकते हो, मैं आपको वो फोल्डर शेयर कर दूंगी। ठीक है, ओके मैम। ऐसा मैम बहुत लास्ट में मिलता है क्या मॉड्यूल हमें अवंती के तौर पे? नहीं, मिल जाएगा, थोड़े टाइम में मिल जाएगा, ऑफलाइन टेस्ट देने आओगे ना जब तुम, तब मिल जाता है, क्योंकि फिर वो ठीक नहीं रहता ना इतना आई स्क्रीन पे, स्क्रीन बेटा मिले भी तो लेट हो ना। हाँ वो तो मैं तुम्हें समझ गई, बट तुम लोग मिले भी तो लेट हो ना, तो फिर टाइम इसलिए लग रहा है ना थोड़ा सा। Yes, क्या लग रहा है, क्या नाम है, पूर्वा? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, देखो 3D है तो n की वैल्यू 3 हो जाएगी, l की वैल्यू 2 हो जाएगी, और ml की वैल्यू पॉसिबल कितनी है, 5, तो सी इसका आंसर है। वेरी गुड, क्लैपिंग हो जाए, जो जो सारे बच्चे सही बोल रहे हैं। इससे पहले किसने आंसर दिया था, अरिशा ने दिया था शायद, पता नहीं किसने दिया था। Yes, मैम मैंने दिया था। हाँ ये करो क्वेश्चन नंबर 3 करो।
जिसका थर्ड होता जाए वो फोर्थ भी कर सकता है, बाकी जिसका थर्ड हो गया वो हैंड रेस कर लो। बेटा बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं इसमें से, करो करो शाबाश। सलोनी आप बताइए। मैम फर्स्ट का तो 16 आएगा। 16 आएगा, मुस्कान 16 आ रहा है। मैम मेरा तो 8 आ रहा है। यस मैम 8 आ रहा है। 8 आएगा, सॉरी मैम। मैम 16 एक सेकेंड रुक जाओ, का हाफ कर 16 सकते हैं ना? फोर है, फोर है ना, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल कर सकते हो जिसमें एन की वैल्यू 4 हो, तो 2n² भूल गए। यस मैम 32 तो का हाफ, हाँ इसे का आधा कर दो 16, तो 8 कैसे आएगा पहले तो तुम ये अरे बताओ। हाँ हाँ मैम 16 ठीक तो था मेरा। तो अपने आंसर को नहीं बदलना है, किसी को सुन के जो आपने करा है वो करना, 16 ही है, चले फाइनल। चलिए यस मैम। क्वेश्चन नंबर 4 कीजिए। शाबाश। हाँ जी पूर्वा आप बता दीजिए। कैसे मैम ऑप्शन सी 6 किया? मैम, बिकॉज एन की वैल्यू 3 है, एल की वैल्यू 1 है, मतलब 3p, तो टोटल हम इसमें 6 इलेक्ट्रॉन जो है फिल कर सकेंगे, तो मतलब 6 ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी लास्ट 3p में जाके आएगा। समझ गए। देखो क्या करना है, अगर तुम्हें थोड़ा पीरियोडिक टेबल का आइडिया हो तो, मैं वैसे आइडिया होना चाहिए अपना, जो 13 13 टू 18 वाले आपके ग्रुप होते हैं आपको पता होगा उसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है NH2NP6, है ना, यस ये मैम आप पढ़ चुके हो, मैं आपको बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, तो अब थर्ड पीरियड वाले फिर कितने होंगे इसमें? 6 होंगे एलिमेंट्स ऐसे, जैसे इसमें बोरोन आता है, नीचे एल्यूमिनियम आता है, याद करो 14 में कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, और यहाँ पे कितने आता है, नियोन के नीचे आर्गन। आर्गन। ठीक है, तो ऐसे इनमें सब में क्या होगा, 3s2 3p6 होगा, तो मैक्सिमम 3s2 3p6 मतलब 3p में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, जैसे इसमें 3s2 3p1 3p2 3p3 3p4 3p5 3p6, तो ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एलिमेंट्स कितने हैं, 6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6। क्लियर है, ऐसे करना है इसको। यस मैम। ये वाला कर, अरे ये तो चिंदी क्वेश्चन है, एजिमिथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द, क्या करता है सोच समझ के, जल्दी करो एनरेज, घंटे लगा रहे हो तुम। वेरी गुड, 10 सेकेंड और हैं। लव कुश आप बताइए। मैम फर्स्ट साइज बताता है? एल एल तो नहीं बताता साइज, ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। मैम मैं बताऊं? मैं बताऊं? मैम रुको, मुझसे मुझसे नहीं हो जाए, रुक जाओ। मैंने नहीं बताया। रवीना आप बताओ। अच्छा आफ्ताब बता दो, बुरा मान जाएगा। ऑप्शन डी एंगुलर एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम निकालते थे ना मैंने पिट्टा इससे। यस यस मैम। चलो आ जाओ, ये वाला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 8। विच सीरीज ऑफ सबशेल इज अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम? मैम मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट, हैविंग मोर देन वन इलेक्ट्रॉन, एन प्लस एल रूल लगाओ। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, यानी कि पहले वो लिखोगे जिसकी कम एनर्जी है, कई बार वो कोमा से सेपरेट करके देता है, कई बार वो साइन लगा के देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्या हुआ, नहीं हो रहा?
पहले मैं निकाल, ऑप्शन ए आ रहा है। यस मैम ऑप्शन ए आ रहा है मेरे, सारी वैल्यू सेम। इधर आओ, 6s में n + f की वैल्यू 6, 4f में 4 + 3 कितना होता है 7, 7 7 7 आ रहा है इसमें भी। अब देखो सबसे कम इसका एक ही ऑप्शन है, इधर आओ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन एलिमिनेट करके खत्म। और ये क्या है, सबकी सेम वो है n + l की वैल्यू, तो जिसकी सबसे ज्यादा n की वैल्यू होगी उसकी एनर्जी भी ज्यादा, 6p की देखो, फिर 5d और फिर 4f हो भी जाएगा। यस मैम, यस मैम, ये वाला क्वेश्चन करो। अगर तुम्हारी सब्सिडियरी क्वांटम नंबर यानी कि एल की वैल्यू 4 है तो बताओ डीजेनरेट ऑर्बिटल उसमें कितने होंगे। फॉर्मूला बताया था ना मैंने ऑर्बिटल का, यस मैम, निकालो फिर। लगे हाथ नीचे वाला भी कर लेना अगर हो जाए तो। जस्ट आपको फॉर्मूला लगा दो, कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूला लगा दो। कितना आ रहा है मैम? 9 12 प्लस 1, ठीक है तो 9, जी वाला है ये, तो जी की जो 9 ऑर्बिटल है, नाम आपको याद भी नहीं रखने बिल्कुल भी, वो नो की नो क्या है, डीजनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम है क्या नो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है मैम। और सारे ऑर्बिटल्स की मतलब जो इलेक्ट्रॉन एक सब मतलब एक ऑर्बिटल में, उनकी सारी एनर्जी सेम होगी सबकी? फिर बोलो, मतलब जैसे इसमें 9 ऑर्बिटल्स हैं तो इनकी सबकी एनर्जी सेम होंगी? यस, जैसे मान लो तुम इलेक्ट्रॉन फिल कर रही हो है ना, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो तुम वो इसमें भी फिल कर सकती हो, वो तुम इसमें फिल कर सकती हो, वो तुम इसमें भी फिल कर सकती हो, मतलब क्योंकि सारे नो के नो ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है। जैसे अगर मैं सिंपल ले लू एग्जाम्पल, पी वाले ले लू, ठीक है, तो मान लो पी वन है, अब तुम वो एक इसमें भी फिल कर सकती हो, एक इसमें भी फिल कर सकती हो और एक इसमें भी फिल कर सकती हो, एनर्जी सेम है किसी में लगा दो, ठीक है। जब मैं ट्वेल्थ में जाऊंगी, तुम लोग ट्वेल्थ में जाओगे, मैं तो जा चुकी, तब तुम वहां पे पढ़ोगे कि सेम नहीं होती डी की और ऑर्बिटल की एनर्जी, स्प्लिटिंग हो जाती है लिगेंड की प्रेजेंस में, बट अभी नहीं पढ़ना वो तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई, क्या रहा है त्रिपी, फॉर्मूला लगाओ। हाँ बोलो बेटा, मैम ऑप्शन डी आएगा, डी कर लेना। ये वाला क्वेश्चन देखो मैं बहुत बार करा चुकी, अब खुद करना ये। ओके मैम, ओके मैम, ये वाला क्वेश्चन करें क्या, ये दो क्वेश्चन चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं। ये नीट 2023 में आया था, ये नीट 2024 में आया था, कर लोगे? यस मैम कर लेंगे, टाइम हो रहा है ना, मेरी भी क्लास है तुम लोगों की भी। उसके अलावा मैंने ना तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, ये देखो बस 10 ही क्वेश्चन दिया, उसके आंसर की भी डाल दिया, आराम से मजे से करना, 10 मिनट लगेंगे बस, और दो ये ऐड कर लेना, टोटल 12 क्वेश्चन, ठीक है। कल मैं क्या कराऊंगी, कल मुझे तुम्हें स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन बतानी है, बस बता के छोड़ दूंगी और तुम्हें रेडियल नोट्स, एंगुलर नोट्स ये सब बताने हैं, 20 मिनट्स का टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आज मैंने बेसिकली 4 रूल्स बताए, अच्छे से उसको सीख लेना, वो ट्रिक्स जो भी मैंने बताई है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने की और रूल्स ऑफ लाइक एनर्जी का ऑर्डर जो मैंने तुम्हें वो लिखवाया था, उन सबको अच्छे से कर लीजिएगा, ओके बेटा। ओके मैम, ओके मैम।